1798 में बनाई गई इस पेंटिंग में जमान शाह दुरानी की तरफ से कश्मीर के गवर्नर अब्दुल्ला खान अलकोजई और उसके दरबार की डिपिक्शन की गई है। इस पेंटिंग को खुद अब्दुल्ला खान अलकोजई ने कमीशन किया था और इससे हमें ये पता चलता है कि 1798 में दुरानी पश्तून उमरा किस किस्म का लिबास पहनते थे। सरदार अब्दुल्ला खान अलकोजई ने 1795 से लेकर 1800 तक कश्मीर पर दुरानी एम्पायर के गवर्नर की हैसियत से हुकूमत की और 1802 से लेकर 1807 तक उसने दुरानी एम्पायर से अलग होकर कश्मीर पर आजाद हुक्मरान की हैसियत से हुकूमत की। अपने अच्छे किरदार, खुशमिजाजी और काबिलियत की वजह से अब्दुल्ला खान अलकोजई न सिर्फ दुरानियों में बल्कि मकामी कश्मीरी बाशिंदों में भी काफी मकबूल था। उसका हम असर मॉन्स्टुअर्ट एल्फिनस्टोन उसकी तारीफ यूं करता है, अब्दुल्ला खान एक टैलेंटेड और बहादुर आदमी था। कश्मीरी आज भी उसका मोहब्बत और एहतराम से जिक्र करते हैं। यही जज्बात उन दुरानियों के हैं जिन्होंने उसके लिए काम किया। उसको अदलो इंसाफ, इंतजामी सलाहियतों, सखावत, खुश मिजाजी और शाहाना शान शौकत और अजमत के लिए सराहा जाता है। शायद ही कोई दुरानी हो जिसके किरदार की इतनी तारीफ की गई हो जितनी के अब्दुल्ला खान अलकोजई की जाती है। सरदार अब्दुल्ला खान अलकोजई के दौर में कश्मीरी शाल की तिजारत को काफी फरोग हासिल हुआ। उसके दौर में यूरोप से ताजिर आकर कश्मीरी शाल खरीदने लगे। कहा जाता है कि 1796 में बगदाद से सैयद याह्या नामी एक नाबीना शख्स कश्मीर में सैर व तफरी की गर्ज से आया। वापसी से पहले इस सैयद याह्या ने सरदार अब्दुल्ला खान अलकोजई के दरबार में हाजिरी दी और रुख्सत होने की इजाजत मांगी। अब्दुल्ला खान ने उसे नारंगी रंग का एक शाल तोहफे में दे दिया। कुछ अरसा बाद सैयद याह्या ने मिस्र का चक्कर लगाया और वहां उसने उस कश्मीरी शाल को मिस्र के खदीव को तोहफे में दे दिया। 1798 में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर हमला किया तो मिस्र के खदीव ने उस नारंगी रंग के कश्मीरी शाल को नेपोलियन को गिफ्ट कर दिया। नेपोलियन ने उस कश्मीरी शाल को अपनी बीवी जोसफिन को दे दिया और जोसफिन की बदौलत कश्मीरी शाल फ्रांस में काफी फैशनेबल हो गया। जल्द ही फ्रांस के ताजिर कश्मीर आने लगे और वहां मुख्तलिफ डिजाइन के शाल खरीद कर यूरोप ले जाने लगे। फ्रांस से कश्मीरी शाल पूरे यूरोप में मकबूल हो गया। यूरोप में कश्मीरी शाल की डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी सप्लाई में भी इजाफा हुआ और अब्दुल्ला खान के दौर में इसकी तिजारत से गैर मामूली आमदनी हासिल हुई। 1783 में कश्मीर में शाल बुनने के चरखों की तादाद 16,000 थी। 1813 में ये तादाद बढ़कर 24,000 हो गई।